हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। और डियर सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था और आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि तबीयत ख़राब है और फीवर आ रहा था, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। तो अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, और मैं भी देखते हैं अच्छा होना चाहिए। तबीयत अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा की प्रिपरेशन हम लोग इस चैनल पर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस रीजनिंग और हिंदी के वीडियोस भी डालते हैं। तो आज 25 क्वेश्चन जीके का टेस्ट होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का मूल क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस का हमें पता चल जाता है, तो उसी के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर कर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो लगातार जुड़े अगर आप यूपी बीएड कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो क्या है, एग्ज़ाम डेट था वो लगभग आपका मई 19 मई था, बट अभी जो एक्सपेक्टेड है तो मे भी आपका जून जा सकता है, एक महीने कम से कम तो जाएगा ही जाएगा। तो आप मान के चलिए 15 या 20 जून के बाद से कुछ अनाउंस होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे ही कुछ अपडेट आता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए 2020 के वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ में आपका ये कुछ क्वेश्चन हैं, आइए इनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया था। देयर आर फोर ऑप्शंस, दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरुआत हुआ था, और उन्होंने लगभग 78 मेंबर्स इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे। 78 मेंबर्स थे महात्मा गांधी जी के साथ, और उसके बाद प्रस्थान किया, और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को वे उन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध वाद आई एन ए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन है। अधिवक्ता वकील को हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदी वर्ड से अधिवक्ता। एंड तो देयर आर फोर ऑप्शंस, भूला भाई देसाई, आशफ अली, सुभाष चंद्र बोस, श्री राजा गोपाल आचार्य। एंड राइट आंसर है भूला भाई देसाई। तो 1945 की बात है, वर्ष 1945 में लाल किला में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कर रहे थे कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग पैरवी कर रहे थे आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए 1945 में, और भूला भाई देसाई ने अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता की थी। तो भूला भाई देसाई आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे ये लाइफ टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में ये सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। स्वतंत्रता का नव गृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें 1929 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कब किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृ
मात देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मात देवी की संबंधित सभी क्वेश्चन था, ठीक है, हिस्ट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए उन्होंने उपगुप्त, नाम याद रखेंगे डियर, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्राप्त है। कौन से भिक्षु थे? उपगुप्त भिक्षु थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के लिए, अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? मैंने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी सेट में डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आता है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको रटे हुए होने चाहिए। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? जैनियों के द्वारा, ठीक है, जैनियों के द्वारा, ऑप्शन बी, सॉरी। तो राजस्थान के दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के लिए प्रमुख स्थल है, पहली चीज याद रखना है। भीम प्रथम के सामंत विमल ने 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच आपका आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? भीम प्रथम, ठीक है, ये भी याद रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? आसान और इजी क्वेश्चन है। गीत गोविंद, जय देव, ठीक है, जय देव गीत गोविंद के लेखक हैं। और कल्हड़ ने राजतरणी को लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ राजतरणी से संबंधित है, ये आप याद रखिए। और गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, तो कल्हड़ रचयिता हैं राजतरणी के। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? देखो यहाँ पे ऑप्शन है, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दो ऑप्शंस नीचे है, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, इल्तुतमिश आपका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विस्तार में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9 क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है, जो कि हमारे पृथ्वी के आकार के बराबर है। पृथ्वी, शुक्र जो है वो हमारे अर्थ का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे नजदीक वाला ग्रह है। ऐसे पृथ्वी की बहन भी कह सकते हैं हम लोग, सिस्टर्स भी कहते हैं। और घनत्व, तो आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसे इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये वर्ड्स भी याद रखने हैं, टर्म्स याद रखना है आपको। भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यह सबसे ब्राइट तारा है, सबसे चमकीला है और सबसे गर्म भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन सी, बुध के अपने कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दशा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के दशा को के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड की वस्तुएं एवं उनके मानव जीवन पर अध्ययन, मेट्रोलॉजी वायुमंडलीय अध्ययन, ठीक, और सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं तो सिस्म बोलते हैं, जो ये एस्ट्रोनॉमी वर्ड्स हैं। एस्ट्रोनॉमिक मतलब क्या होता है? वायु ब्राह्मणी, ब्रह्मांड की जो भी पूरी वस्तुओं उनका गतिविधियों का अध्ययन करना, ये होता है एस्ट्रोनॉमी।
और वायुमंडली एटमॉस्फियर, अगर उसकी कंडीशन को हम लोग अध्ययन करना है तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझुली द्वीप, ये कहाँ पर है? अच्छा ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम है, ठीक है असम है, मांझुली द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था, उसको बोलते हैं कोंकण तट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं? तो नीलगिरी में कौन सा वृक्ष मिलता है? यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस मिलता है। नीलगिरी में प्राकृतिक घास, भूमि, झाड़ियां आदि मिलते हैं और इसके अलावा यहाँ यूकेलिप्टिस जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो नीलगिरी में क्या मिलता है भाई? यूकेलिप्टिस, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करो भाई। चंबल, सोन, मानस, ये आपका सहायक रिवर्स है और ये आपका मुख्य नदियां हैं। 15 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नदी एवं उनकी सहायक नदियां, नर्मदा, देखो सहायक नदियां और मुख्य रिवर्स। तो जैसे कि चंबल आपका है, चंबल, तो चंबल का सहायक नदी क्या है? चंबल आपका, ये आपका चंबल मिलता है यमुना से, चंबल आपका यमुना से मिलता है। और केन आपका, आपका ये सोन रिवर्स, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपसे, 1 मिनट, सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो मानस ये आपका थर्ड, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र से मिलता है, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अनावश्यक आदानों का उपलब्धता ये उत्तरदायी नहीं है। चलिए मूव करें क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? 17 नंबर क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? लोकतंत्र के गुणधर्म मुख्यतः हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आपका निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों के निर्वाचन के निष्पक्ष चुनाव, सारी लोकतंत्र व्यवस्था के लिए हैं, विधि का शासन, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, अवसर की समानता, तो ये सारे व्यवस्था के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ था? तो संविधान ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होगा? 20 नंबर क्वेश्चंस, और आर्टिकल 37 के तहत यह कहा गया है, आर्टिकल 37 के तहत यह कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य, तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की व्यवस्था ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, समूह उपभोग का अर्थ क्या है? समूह उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत।
समूह उपभोग का संबंध उस उपभोग से है जो किसी समूह द्वारा की जाती है, ठीक है, एक ग्रुप के द्वारा। इसमें तात्पर्य घरेलू खपत से है जिसे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च करता है। ठीक, नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो यह आपका चावल, ठीक है, राइस। बाजार में मांग की लोच इस बात के अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि हो। कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। चावल की मांग लोचदार है जबकि विद्युत, औषधि, दिया दिया शलाई की नहीं। ठीक है, नंबर 25 क्वेश्चन, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट था। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, अन व्यापारिक नीति। तो राइट आंसर आपका क्या है? मौद्रिक नीति। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया मौद्रिक नीति का उपकरण है। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये आपका इकोनॉमिक का क्वेश्चन था। एंड थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा सेशन। थैंक यू।